अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास 6 सेक्शन 2 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 द एंशिएंट इन्वेडर्स। एंशिएंट मतलब कदीम जमाने के, इन्वेडर्स हमलावर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द आर्यन्स। About 1500 BCE, a new race of people came into the northwest of the subcontinent. 1500 सदी ईस्वी में बरेसगीर के शुमाल मगरबी इलाकों में नई नस्ल के लोग आए, ठीक है। They were called Aryans, उनको आर्यन कहा जाता था। 15वीं सदी ईस्वी में जो परिसर के शुमाल मगरबी इलाके थे वहाँ पे नई नस्ल के लोग आए और उन लोगों को क्या कहा जाता है, आर्यन्स। दे हैड बीन नोम्ड, वो खानाबदोश थे, ठीक है। ये जिस तरह मुख्तलिफ झोंपड़ियों में लोग रहने वाले हैं उनको खानाबदोश लोग कहा जाता है। वॉन्डरिंग विद देयर फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द वास्ट ग्रास लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, वो लोग खानाबदोश थे और जो अपने जानवरों के रेवड़ के साथ सेंट्रल एशिया के वसी इलाकों में, ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे सरसब्ज इलाका होता है, ठीक है, वहाँ के इलाकों में ये अपने जानवरों के रेवड़ों के साथ इधर उधर फिरते रहते। वॉन्डरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहना। देवर फायरसी, वो सख्त थे। देन द ड्रेवडियंस, ड्रेवडियंस जो वहाँ पे पहले लोग रहते थे उनको ड्रेवडियंस कहा जाता है, और वो ये जो लोग थे आर्यन से ये ड्रेवडियन की निस्बत ज़्यादा सख्त थे। एंड यूज्ड वेपन मेड ऑफ ब्रॉन्ज, और पीतल से बने हुए हथियार इस्तेमाल करते थे। एंड लेटर आयरन, और फिर बाद में लोहे के बने हुए हथियार इस्तेमाल करते थे। दे फॉट फ्राम चिरियोट्स, यू कैन सी हियर दिस इज़ द चिरियोट। चिरियोट इज़ अ टाइप ऑफ कैरिज जिसके आगे दो घोड़े लगे होते हैं और पीछे बैठ के इसको चलाया जाता है, और इसके टू टायर्स होते हैं, दो किस्म के व्हील होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चिरियोट्स। अब जो आर्यन थे उन्होंने इन चिरियोट्स के ऊपर बैठकर लड़ाई की, ठीक है। एंड सून डिफीटेड द ऑलरेडी वीकेंड एंड पीसफुल पीपल ऑफ द इंडस एम्पायर, और वादी सिंह के जो पहले से ही कमज़ोर और पुरअमन लोग थे उनको इन्होंने हरा दिया, ठीक है। जो आर्यन्स आए थे उन्होंने जो पहले से वहाँ पे लोग रह रहे थे उनको हरा दिया। सम ऑफ द ड्रेवडियंस वर किल्ड, कुछ जो ड्रेवडियन थे उनको मार दिया गया। सम मेड स्लेव्स, कुछ को गुलाम बना दिया गया। एंड सम फ्री टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और कुछ जो बच गए थे वो बरसगीर के दूसरे हिस्सों में भाग गए, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव that the Balochi language may be the very similar to that which the Dravidians people used. अब जो साइंसदान हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो बलोची ज़बान है वो उसी से मिलती जुलती ज़बान है जो ड्रेवडियन लोग इस्तेमाल करते थे। The Aryans steadily took over most of the northern India. जो आर्यन लोग थे उन्होंने steadily बहुत जल्दी से तेज़ी से जो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया से उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इंडिया के शुमाली इलाकों पे आर्यन ने बहुत जल्दी से कब्जा कर लिया। एंड मैनी ऑफ देम मूव्ड इनटू द गंगेस वैली, और उनमें से जो बहुत ज़्यादा लोग थे मतलब आर्यन जो लोग थे वो वादी गंगा के इलाकों की तरफ चले गए। दे सेटल डाउन टू बिकम फार्मर, और वो वहाँ पर किसान बन के रहने लगे। एंड फॉट अमंग देम सेल्फ फॉर लैंड्स, और आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते ज़मीनों के लिए। द आर्यन्स आर रियली द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज, जो आर्यन ही थे वो ही अबाव अजदाद हैं जो आजकल के हिंदू हैं। इस वक्त के जो मॉडर्न हिंदू हैं उन्हीं के अबाव अजदाद ये आर्यन थे। दे एक्सटेंडेड देयर लैंड्स ईस्टवर्ड अलॉन्ग द गंगेस रिवर, और उन्होंने दरिया गंगा के मशरक की तरफ तक अपनी ज़मीनें फैला ली, मतलब वो लोग वहाँ तक फैल के रहने लगे। वेन दे हैड सेटल डाउन इन देयर न्यू कंट्री, जब वो अपने इस नए मुल्क में सेट हो गए,
दे डिवाइडेड देयर पीपल इन टू फोर ग्रुप्स, तो उन्होंने अपने लोगों को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया और कास्ट या चार जातों में तकसीम कर दिया। ठीक है, जब ये आर्यन इन इलाकों में आके रहने लगे और सेट हो गए तो उन्होंने अपने ही लोगों को चार हिस्सों में या चार जातों में तकसीम कर दिया बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनके पेशे के हिसाब से। ठीक है, जो उनका पेशा था उनके हिसाब से उन्होंने अपने लोगों को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब वो चार जातें या चार हिस्से कौन से थे? एट द टॉप आर द ब्रह्मन्स हु आर द प्रिस्ट्स, सबसे पहले ब्रह्मन थे जो कि पुजारी थे। ठीक है, द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूडेड द किंग्स, और जो दूसरे नंबर की जात थी उसमें बादशाह, सोल्जर्स, स्पाई एंड लीडर्स और लीडर शामिल थे। देवर कार्ड क्षत्रियाज और उनको क्षत्रियाज कहा जाता था। ठीक है, जो दूसरा नंबर की कास्ट थी उसका नाम क्या था? क्षत्रियाज, और इसमें किंग, सोल्जर और लीडर शामिल थे। तीसरे नंबर की जात थी उसका क्या नाम था? बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन, और इससे छोटे में कारीगर, ऑफिशियल, अफसर, मर्चेंट्स, व्यापारी एंड फार्मर्स और किसान शामिल थे। ठीक है, जो तीसरे नंबर की जात है उसमें ये सब लोग शामिल थे। देवर नोन एज विश्यास, और उनका नाम विश्यास था। स्टिल लोअर वार द ऑर्डिनरी वर्कर, और उनसे भी छोटी जात के जो लोग थे वो आम काम करने वाले थे, सर्वेंट्स नौकर थे एंड लेबर और मजदूर थे। देवर कार्ड शुद्राज, और उनका नाम शुद्रा था। ठीक है, ये चार किस्म के लोग थे जिसमें आर्यांस ने अपने ही लोगों को तकसीम कर दिया था। एज यू कैन सी हेयर द प्रिस्ट वर द ब्रह्मन्स, दीज वर द ब्रह्मन्स, नेक्स्ट क्षत्रियाज, क्षत्रियाज में बादशाह, स्पाई और जो दूसरे लोग थे आला किस्म के उनको क्षत्रियाज में डाला गया था। नेक्स्ट विश्यास, इसमें ये सब लोग शामिल थे, और सबसे जो लोअर मजदूर तबका था उसमें शुद्रास, ये सब जो मजदूर थे बिल्कुल लोअर लेवल के उनको शुद्रास में डाल दिया था इन्होंने। ठीक है, बिलो द फोर कास्ट वर द आउट कास्ट, अब इन चार जातों के अलावा जो लोग थे उनको आउट कास्ट या बगैर जात के कहा गया। ठीक है, जो ये चार जातें थी उसके अलावा जो लोग थे उनको आउट कास्ट या बगैर जात के कहा जाता। ओरिजिनली पीपल हु वर नॉट आर्यन्स, और ये जो आउट कास्ट थे ये वो लोग थे जो आर्यन नहीं थे। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, और ये जो आउट कास्ट लोग थे इनको गाँव से बाहर रहना पड़ता एंड वर मेड टू डू द वर्स्ट वर्क, और इनसे सबसे सख्त या बुरा काम लिया जाता, सच एज किलिंग एनिमल्स, जैसा कि जानवरों को मारना, विच वॉज सपोज्ड टू मेक देम अनक्लीन इन अ रिलीजियस सेंस, और एक उनकी जो मजहबी सेंस थी उस हिसाब से इनसे अनक्लीन किया जाता था इस काम से। ठीक है, मतलब कि वो अनक्लीन का मतलब होता है जो साफ सुथरा ना हो, गंदा हो। इवन द लोएस्ट कास्ट ऑफ शुद्रास, हत्ता के जो उनके अपने सबसे लो कास्ट के लोग थे शुद्रा जो लोग थे, ट्रीटेड द आउटकास्ट एज स्लेव, वो भी आउटकास्ट जो बेजात लोग थे उनको अपने गुलामों के तौर पर उनसे सलूक करते थे। ठीक है, अब जो कि आर्यन्स की चार जातें थी, चार जातों में जो सबसे लोअर जात थी वो भी इन बेजात या आउटकास्ट लोगों से गुलामों की तरह सलूक करते थे। द डिफरेंट कास्ट वर नॉट अलाउड टू मिक्स, मुख्तलिफ जातों में एक दूसरे में मिक्स होने की इजाज़त नहीं थी। एंड नो वन कुड मूव फ्राम द कास्ट इन टू विच ही आर शी हैड बीन बोर्न, और किसी भी शख्स को या किसी भी इंसान को एक कास्ट से दूसरी, एक जात से दूसरी जात में जाने की इजाज़त नहीं थी जिसमें वो पैदा होता। ठीक है, जिस जात में वो पैदा था बस उसको उसी में ही रहने की इजाज़त होती थी। ठीक है, एट फर्स्ट, सबसे पहले द आर्यन्स वर्शिप द साइंस ऑफ नेचर, सबसे पहले आर्यन्स ने जो कुदरती साइंस थे मतलब कुदरती चीज़ें थी उनको पूजा करना शुरू किया। अब कुदरती चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? सच एज द सन, जैसा कि सूरज, द मून, चांद की, रिवर, दरिया की, फायर, आग एंड द अर्थ और ज़मीन। ठीक है, अब जो आर्यन थे ये कुदरती चीज़ें मतलब सन, सूरज, चांद, दरिया, आग और ज़मीन की पूजा करते थे। दी स्लोली चेंज्ड अंटिल देयर वर नेम्ड गॉड्स। ठीक है, और ऐसा ऐसा वो तब्दील होते गए हत्ता कि उन्होंने अपने खुदाओं के नाम रख दिए, सच एज इंदिरा, जैसा कि इंदिरा,
विष्णु विष्णु शिवा कृष्णा एंड मैनी मोर, ठीक है। अब जैसे ऐसा ऐसा उन्होंने तब्दील करते गए और इन लोगों ने अपने खुदाओं के नाम रखने शुरू कर दिए, जिसमें इंदिरा विष्णु शिवा कृष्णा और बहुत से और लोग वो नाम शामिल हैं, ठीक है। दीज आर द हिंदूज गॉड्स ऑफ टूडे, और आजकल के जो हिंदू हैं वो उनके यही खुदा हैं, ठीक है, जिनके ये नाम अभी बोले। वी नो अबाउट द अर्ली आर्यन टाइम्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर कॉल्ड द विदास विच डेट बैक 3000 ईयर्स एंड आर स्टिल द बेसिस ऑफ द हिंदू रिलीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू के जो आर्यन थे वो इबादत करते थे या पूजा करते थे विदास की, जो कि 3000 साल पहले से है, ठीक है, और अभी भी हिंदुओं की हिंदू मज़हब की जो बेस है, मतलब इब्तदा है, वो इधर से ही शुरू होती है, ठीक है। दीज आर्यन स्पोक संस्कृति, अब ये जो आर्यन थी इनकी ज़ुबान थी संस्कृति, विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत अहम है, एज इट इज़ द बेसिस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। जैसा कि अब संस्कृति क्यों अहम है, क्योंकि ये इंडिया की जो ज़ुबान है उसकी बुनियाद है, मतलब जैसा कि हिंदी ज़ुबान की एंड ऑफ मोस्ट मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस टुडे, और आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं यूरोप वालों की, उनकी भी ये बेस संस्कृति से ही शुरू होती है, ठीक है। जैसा कि ये नीचे उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताए हुए हैं, जिनका पहले संस्कृति में लफज है, फिर लेटिन है, फिर फ्रेंच और फिर इंग्लिश में, ठीक है, और इनके मिलते जुलते ही प्रोनाउंसिएशन है। टुडे वी हैव फिनिश दिस टॉपिक, इन ओवर नेक्स्ट टॉपिक, इन ओवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही काम होगा, अल्लाह हाफिज़।